इसका मतलब हमारे घरों में मौजूद आउटलेट्स में जो वोल्टेज है वो भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, यानी उसकी पोलैरिटी मुसलसल रिवर्स होती रहती है। हम जानते हैं कि जब भी किसी लोड को किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया जाए तो वायर्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करने लगते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्जेस के इस फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि वायर्स में ये इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरीके से फ्लो कर सकते हैं। दो तरीके से ही क्यों? क्योंकि हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज दो तरह के होते हैं। ये मेरे पास एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, जबकि ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। मतलब बैटरी एक ऐसा वोल्टेज सोर्स है जिसके टर्मिनल्स की पोलैरिटी हमेशा फिक्स रहती है। ऐसे वोल्टेज सोर्स को हम डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स कहते हैं। अगर हम डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स के साथ किसी लोड को कनेक्ट करें तो क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, इसलिए करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा, क्योंकि टर्मिनल्स की पोलैरिटी चेंज ही नहीं हो रही। ऐसे करंट को जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये बैटरी है, बल्कि ये बैटरी की जगह कोई और वोल्टेज सोर्स है। ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसकी पोलैरिटी फिक्स नहीं होती, यानी पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ी देर के बाद नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है और नेगेटिव टर्मिनल थोड़ी देर के बाद पॉजिटिव बन जाता है, और यूं पोलैरिटी मुसलसल तब्दील होती रहती है। ऐसे वोल्टेज सोर्स को हम डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स तो नहीं कह सकते क्योंकि पोलैरिटी फिक्स नहीं है। ऐसे वोल्टेज सोर्स को हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कहते हैं क्योंकि पोलैरिटी मुसलसल अल्टरनेट कर रही है, या दूसरे अल्फाज में रिवर्स हो रही है। अब करंट क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, तो इस लम्हे करंट पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स होगी तो करंट ने क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव ही फ्लो करना है तो करंट की डायरेक्शन तो रिवर्स हो गई और फिर दोबारा रिवर्स हो जाएगी। मतलब करंट मुसलसल अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जो अपनी डायरेक्शन मुसलसल तब्दील करे अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। सो एन अल्टरनेटिंग करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा भी कोई वोल्टेज सोर्स हो सकता है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स अपनी पोलैरिटी मुसलसल रिवर्स करते रहें। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ऐसा वोल्टेज सोर्स होता है। जैसे ये एसी जनरेटर, ये जनरेटर भी एक वोल्टेज सोर्स है। जब मैं इस जनरेटर में मौजूद कॉइल को रोटेट करता हूं तो इससे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, यानी पोलैरिटी फिक्स नहीं होती बल्कि मुसलसल तब्दील होती रहती है। और जब मैं इसके साथ कोई लोड कनेक्ट करूंगा तो उसमें से फ्लो करने वाला करंट भी डायरेक्ट करंट नहीं बल्कि अल्टरनेटिंग करंट होगा, यानी वो अपनी डायरेक्शन मुसलसल तब्दील कर रहा होगा। कुछ इसी तरह के बड़े बड़े जनरेटर्स पावर स्टेशंस में भी मौजूद होते हैं, जो डैम्स में स्टोर्ड वाटर की मदद से रोटेट करते हैं और वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। यही वो वोल्टेज है जो हमारे घरों में आउटलेट्स में मौजूद है। इसका मतलब हमारे घरों में मौजूद आउटलेट्स में जो वोल्टेज है वो भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, यानी उसकी पोलैरिटी मुसलसल रिवर्स होती रहती है। और जब मैं इसके साथ किसी लोड को कनेक्ट करता हूँ तो उस लोड में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, यानी वो करंट अपनी डायरेक्शन मुसलसल तब्दील करता रहता है।